नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। खबर है रायपुर से। डीआरआई और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई यहां पर सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का खुलासा हुआ। रेलवे स्टेशन से 3 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। सोने के साथ एक आरोपी गिरफ्तार यहां पर किया गया। बरामद सोने की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक है। दुरंतो एक्सप्रेस से यह तस्कर कहीं जा रहा था। तो रायपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ। सोने के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। दुरंतो एक्सप्रेस से कहीं जा रहा था। तो बरामद सोने की कीमत 1.5 करोड़ से अधिक बाजार में बताई जा रही है। ये देखिए, तो सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको इस खबर से रूबरू करवा रहा है इस वक्त। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज। सोना तस्कर जो पुलिस की गिरफ्त में आया है, डीआरआई और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी धरपकड़ हुई। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का खुलासा हुआ है। रेलवे स्टेशन से 3 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर है ये। सोने के साथ एक आरोपी गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया। तो बड़ी और अहम खबर, बरामद सोने की कीमत 1.5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तो रायपुर स्टेशन की यह तस्वीर, तो सोना तस्कर, अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का गिरोह यह पकड़ा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी का बड़ा खुलासा यहां पर किया गया है। तो रेलवे स्टेशन से 3 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। तो यहां से कहां ले जाया जा रहा था और उसके बाद वहां से कहां पहुंचाना था, यह सारा खुलासा जल्द ही हो जाएगा। और इस पूरे मामले में पूछताछ अभी की जा रही है। जो तस्कर है उससे पूछा जा रहा है। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। शिवम, ये पूरा मामला क्या है और क्या पता चल सका कि ये सोना दरअसल कहां लेकर जा रहा था ये तस्कर? देखिए अभितोष, ये पूरा मामला राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन का है। जिस तरीके से जानकारी सामने आई है, डीआरआई और आरपीएफ की विशेष टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। करीब 3 किलो से अधिक सोने का जो है वो बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई सामने आई, इस कार्रवाई के बाद डीआरआई के सूत्रों का ये कहना है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी के मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। दरअसल बीते दिनों जिस तरीके से दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12-232 में एक आरोपी को पकड़ा गया, उस आरोपी के पास से सोने की बिस्किट और सोने की ईंट जो है वो अपने शरीर के कमर पर छुपा करके वो आरोपी तस्कर की पूरी वारदात को अंजाम देने वाला था। दुरंतो एक्सप्रेस की टीम एक्सप्रेस चुकी पश्चिम बंगाल के हावड़ा से आ रही थी और महाराष्ट्र के CST जंक्शन जा रही थी। यानी कि ये मामला कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से भी जुड़ रहा है, क्योंकि ये सोना का से प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल या फिर कई अन्य राज्यों से ये सोने की तस्करी की शुरुआत हुई थी। और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर या फिर कहीं अन्य राज्य ले जाने की तैयारी थी, महाराष्ट्र या फिर कहीं और, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से ये भी देखने को मिला था कि दुर्ग समेत कई ऐसे जिले थे जहां पर डीआरआई की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। चैंबर ऑफ कॉमर्स के समेत तमाम बड़े कारोबारी इस छापेमारी पे फंसे हुए थे और वहां से भी करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए थे। तो हो सकता है कि ये मामला उस चेन से भी जुड़ा हो या फिर इस कार्रवाई के बाद इस पूरे मामले में क्या इनके तार दूसरे राज्यों से जुड़े आप बता रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और लोग गिरोह के वहां पर मौजूद थे ट्रेन में? क्या पूछताछ में ये खुलासा हुआ या फिर ये अकेला शख्स वहां से जा रहा था कहीं और? देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली, कार्रवाई के मुताबिक जो है उस ट्रेन में दुरंतो एक्सप्रेस में केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था। उस व्यक्ति को तत्काल घेरेबंदी कर गिरफ्तार किया गया और अब वो डीआरआई की कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कहां से सोना लाया गया था, किसके संपर्क में था और कहां पर इस पूरे सोने को खपाने की तैयारी थी। तो देखिए, ये एक काफी बड़ा मामला जो है वो आने वाले समय पर सामने आ सकता है। कई सराफा कारोबारी और अन्य कारोबारी जो है वो इस कार्रवाई में फंस भी सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कई अहम खुलासे यहां पर हो सकते हैं। इधर